हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल ऑलवेज अपल प्रो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि दूसरा आईफोन से रिलेटेड मैं चैनल पे। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे iOS 13.5.1 के बारे में फ्रेंड्स, और एप्पल की तरफ से ऑफिशियली इस अपडेट को रिलीज़ कर दिया गया है सभी आईफोन्स के लिए जो iOS 13 को सपोर्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं iOS 13.5.1 प्रोवाइडेड ए इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट्स एंड इज़ रिकमेंड टू ऑल यूजर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास iOS 13.5 यानी सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। और जो इसकी साइज़ के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो साइज़ है 75.2 MB की साइज़ है, तो आपके डिवाइसेस के अंदर अलग अलग हो सकती है। और अगर आप पुराना अपडेट 13.5 नहीं किया तो देख सकते हैं, मेरे आईफोन एसी के अंदर 13.5 को मैंने अपडेट नहीं किया तो देख सकते हैं साइज़ इसकी 293.9 MB की साइज़ है। अगर आपने उससे भी पुराना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपकी साइज़ बढ़ सकती है, लेकिन आप iOS 13.5 पे हैं तो डेफिनेटली आपको 70-75 MB की जो साइज़ मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट के बारे में क्या सिक्योरिटी अपडेट है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि iOS 13.5 का जो सॉफ्टवेयर आया था अपडेट, उसके बाद क्या है कि जो आपके आईफोन को आप जेलब्रेक कर पा रहे थे अनकवर ऐप से। तो फ्रेंड्स, उसी के रिगार्डिंग ये अपडेट से मैं आपको बताता हूँ। एप्पल ने कोई ऑफिशियली बताया नहीं है, बट मैं जहाँ तक मुझे पता है, सोर्सेज मुझे पता चला है, वहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आप iOS 13.5 को अपडेट करने के बाद अपने आईफोन को जेलब्रेक करवा रहे थे, उस कारण से उसको रोकने के लिए ये एप्पल ने ये अपडेट जारी किया है। और फ्रेंड्स, सिक्योरिटी अपडेट और सभी यूज़र्स को डाउनलोड करने के लिए इसके अंदर बताया गया, आप देख सकते हैं 1-4 ऑल यूज़र्स। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप इसे जल्दी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको विदाउट वाईफाई करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अगर आपके पास वोडाफोन का सिम कार्ड है तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा, और किसी बहुत से यूजर्स हैं उनका आइडिया पे भी वर्क करता है और BSNL के भी वर्क करता है। अगर आपके पास ये तीनों सिम है तो आप ट्राई करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल, और जनरल में डेट एंड टाइम में सेट ऑटोमेटिकली को ऑफ कर देना है। और जैसे आज 2 जनवरी डेट, तो मैं इसे सीधा 10 दिन आगे बढ़ा लेता हूँ। इसे मैं 12 जून कर लेता हूँ और सीधा मैं अब वापिस जाऊँगा सॉफ्टवेयर अपडेट में, जनरल और सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड अच्छी है मोबाइल डाटा के अंदर, तभी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, वरना मत करना। किसी से अच्छा हॉटस्पॉट कनेक्शन लेके, मतलब अच्छी इंटरनेट स्पीड है तो कर सकते हैं, बाकी आप iTunes वगैरह से भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जो मेरा पासकोड है वो मैं एंटर कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे आया डाउनलोड ओवर मोबाइल डाटा, इसे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। और ये टाइम बताता है, कितना टाइम बताएगा, इंटरनेट की स्पीड होगी तो डेफिनेटली स्पीडली हो जाएगा। और यही ट्रिक मैं अपने दूसरे आईफोन एसी के अंदर भी आपको मैं करके बता देता हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर 32 सेकंड बता रहा है, और मैं अपने आईफोन एसी के अंदर भी आपको बताता हूँ यही ट्रिक। देख सकते हैं मेरा वोडाफोन 4G का सिम कार्ड है, और आपको क्या करना है, अभी डेट एंड टाइम में जाएंगे और सेट ऑटोमेटिक को ऑफ करूंगा, और 2 जून की मैं यहाँ 12 जून कर दूंगा यहाँ पे भी, और फिर मैं आपको इसके अंदर भी करके बता देता हूँ। वोडाफोन के अंदर अच्छे से वर्क करता है, तो देख सकते यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ डाउनलोड इंस्टॉल इस पर भी कर लेता हूँ। कंटिन्यू कर लिया। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं दोनों फोन के अंदर मैंने आपको करके दिखा दिया है फ्रेंड्स। और तो इसी तरीके से अच्छा आप बड़ा काफ़ी छोटा सा अपडेट है, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अपडेट है। डेफिनेटली आप सभी को ये अपडेट अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना चाहिए। और एप्पल ने बताया नहीं है, बट आपको मैंने इसका रीज़न बता दिया, यही कारण है कि एप्पल ने तुरंत iOS 13.5 के बाद 13.5.1 का जो अपडेट है वो रिलीज़ कर दिया गया। तो देख सकते हैं प्रिपेयरिंग अपडेट के लिए टाइम लगेगा, और बहुत से वीडियो मैंने पहले भी बना रखे हैं तो आप देख सकते हैं। और एटलीस्ट मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल करने से पहले आप फ़ोन को 90-80% चार्ज करके रखिएगा, क्योंकि इंस्टॉल होने के लिए 50% बैटरी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार पॉज कर लेता हूँ। और देख सकते हैं मेरा वाईफाई भी ऑफ ही है, आप बोलो कि आपका वाईफाई ऑन है, देख सकते हैं मेरा वाईफाई ऑफ है। और जनरल और सॉफ्टवेयर अपडेट ये मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं आपके सामने।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो चुका है iOS 13.5.1 और यहाँ से इंस्टॉल ना होकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो सेट ऑटोमेटिकली किया था उसे आप ऑफ कर दीजिएगा, अगर आप उसे ऑफ नहीं करोगे तो आपका ऐप स्टोर वर्क नहीं करेगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, आप चैनल में नया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।